कैम, मैं हूँ भावना शाश्वत। यहाँ पे हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड में सिक्स मेंबर्ड कंपाउंड यानी कि पिरिडीन की बात कर रहे थे, जिसमें कि मैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रेपरेशन बता चुकी हूँ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने रिडक्शन और बेसिक नेचर बता दिया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। यहाँ पे C3 और C2 में कंपेरिजन किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखी हैं, जिसमें कि मोर फेवर्ड है C3, बिकॉज C2 में क्या है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि फेवर्ड नहीं है। इसको आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें कि आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और आप जानते भी हैं कि रेजोनेंस कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे C3 इज मोर फेवरेबल और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि C3 इज ऑल्सो फेवर्ड, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहली रिएक्शन है नाइट्रिशन जो कि NO3 ऐड हो जाएगा C3 पे एंड ब्रोमिनेशन है Br और सल्फोनेशन फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम के द्वारा करते हैं तो SO3H ऐड हो जाता है। और मर्क्यूरेशन में HgOCOCH3 मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड हो जाता है। एंड अगर हम पीडर क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, इसको बहुत ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बनता है लुईस एसिड जो कि लुईस वेस यानी कि पेडिंग के साथ ऐड होके बना लेता सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन नो रिएक्शन इज फेवर्ड, तो यानी कि रिएक्शन फेवर्ड नहीं होगी पीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एराइलेशन। ओके, आई थिंक आपको ये सारी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पर 5 रिएक्शन आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर चिचिबाबिन रिएक्शन मोर फेमस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, Na पॉजिटिव है एंड NH2 नेगेटिव है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है वो टूट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे NH2 ऐड हो जाएगा तो 2-amino pyridine बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन और एलाइलेशन। यहाँ पे C2H5Li एंड C6H5Li, तो यहाँ पे एल्काइल लिथियम बन जाएगा, यहाँ पे एराइल लिथियम बन जाए एराइल पेडीन और एल्काइल पेडीन बन जाएगा और लिथियम हाइड्राइड बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इससे जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता चलती है। अब यहाँ पे मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रखे हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान करना कि कार्बन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करी जाए तो नाइट्रोजन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जा जाए तो वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, कार्बन होल्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों में यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे भी 3 स्ट्रक्चर बना रखे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पर तीनों ही स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि फेवरेबल नहीं है, इसीलिए C2 पोजीशन इज मोर फेवर्ड बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन पे, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड होल्ड नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल बिकॉज दिस C2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज मोर स्टेबल देन C3 न्यूक्लियोफिलिक अटैक। Therefore, nucleophilic substitution of pyridine takes place position C2 and C4. So, I think आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे पिरिडीन का चैप्टर होता है समाप्त। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कंडेंस हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें इंडोल क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन, इनकी मैं डिटेल स्टडी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज वॉच टिल द एंड एंड सारी वीडियोज को देखना हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एंड प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।